या नमस्कार, कैसे हो तुम सब लोग? यार मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो मैं जानता हूं मैं इस टॉपिक पर कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, माफ कर देना। तो जैसा कि सब लोग जानते हो, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी अब हो चुका है बैन। तो बैन तो हो गया, पबजी बैन हो गया, अब क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने बताया कि हो गया है पबजी बैन। तो जब बैन हुआ तब एकदम हंसी खुशी मान लिया कि यार अपने गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटी के लिए जो है मतलब पबजी को बैन किया होगा। तो तभी तो एकदम हंसी खुशी निकाल रहे कि जान दो पबजी को, बाय बाय टाटा पबजी। लेकिन यार दिन बर दिन जा रहे और ज्यादा पबजी की याद आने लगी है। मैं खुद ही पबजी को बहुत खेलता था। तो पबजी जैसे ही बैन हुआ तो यार उसी एक या दो दिन के अंदर अक्षय कुमार सर, हमारे फेवरेट एक्टर बॉलीवुड के, उन्होंने आकर एक बहुत ज्यादा अच्छी खैर पूरे इंडियन गेमिंग को बहुत अच्छी खुशखबरी दी कि वो लॉन्च कर रहे हैं फौजी, FAUG यानी कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड, यानी कि फौजी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो पर्सनली अगर मैं ये कहूँ कि गेम कब तक आएगी, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के एंड तक या शायद ये पबजी पबजी क्या पबजी बोल बोल कर सिर में जा चुकी है पबजी। तो फौजी तो मुझे लगता है कि एंड अक्टूबर के एंड तक जो है फौजी तो रिलीज हो ही जाएगी। और मैं अगर बात करूं इंडियन जो गेमिंग, जो पहले कंपनी थी इंडियन गेमिंग कर, तो इंडियन गेमिंग कंपनी के जो मालिक थे वो विशाल गोंडले। तो वो मतलब वो जब नोकिया के फोन्स थे तब उनके फोन्स के अंदर उनकी गेम उन फोन्स के अंदर उनकी गेम हुआ करती थी। तो इन्होंने बाद में आगे आकर अपनी कंपनी जो है डिज्नी को दे दी। और अब इनके जो कॉन्टैक्ट्स है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स है एनकोर कंपनी जो एक और एक इंडियन गेमिंग कंपनी है उनके साथ है। और अगर बात करें कि पबजी की किस मतलब कितने हद तक फौजी पबजी से सिमिलर हो सकती है, तो इस बात के बारे में मैं भी आप सब लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि यार इसका अब तक सिर्फ नाम ही इतना अच्छे से मुझे पता है, ज्यादा कुछ अभी तक मुझे भी नहीं पता चला। तो यार मैं भी पर्सनली मैं इस गेम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं कि कब तक गेम आती है। और मैं आशा करूंगा कि यार जो गेम्स मतलब जो फील हमें पबजी पबजी ने दिया था, जितना मजा हमें पबजी खेलने में आता था, उतना ही मजा जो है हमें यहाँ पर फौजी खेलने में भी आया। क्योंकि मैंने मतलब फ्री फायर जो है फ्री द फायर तो इसे भी मतलब खेला, लेकिन फ्री द फायर मतलब उतना दम नहीं आया, उतना मतलब उतना अच्छी गेम्स नहीं है। और फ्री फायर में तो सिर्फ और सिर्फ जो अपने कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करे जा रहा है। और भाई इतने महंगे महंगे डायमंड्स भी है। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में कहूँ तो बहुत अच्छी गेम है, लेकिन पबजी जैसी फील तो भाई अब तक कहीं पर भी नहीं आई। मैंने कुछ फोर्टनाइट भी खेला था, लेकिन वहां पर तो भाई मुझे खेलने के बाद में मन ही नहीं हुआ फोर्टनाइट। तो वेरी वैसे फोर्टनाइट भी बहुत अच्छी गेम है, लेकिन मुझे मतलब उतना ऐसा दम लगा नहीं। तो अब तो बस यार सिर्फ लूडो ही खेलने को बची है, जब तक अक्षय कुमार सर की ये फौजी गेम आ नहीं जाती। तो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ खुद भी इस फौजी गेम के लिए। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो शेयर भी करना। और प्लीज वीडियो को इस तरह लाइक ही करो, इस तरह से लाइक करो, ये डिसलाइक मत करो, सिर्फ लाइक करो क्या प्लीज। तो मैं आप सब लोगों को मिलूंगा सीधे के सीधे अगले वीडियो में।